हेलो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और एक खास खबर जो कि जुड़ी अभी है बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर यानी कि भैया सुपरस्टार अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि तानाजी द अनसंग वॉरियर की बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट से। तो दोस्तों, धमाकेदार कलेक्शन करते हुए एक हफ्ते में इस फिल्म ने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया। यानी कि मैं बात करूं भैया, इस फिल्म ने वीकेंड में यानी कि पहले 3 दिनों तो जबरदस्त कलेक्शन किया ही किया, लेकिन उसी के साथ साथ इस फिल्म का जलवा वर्किंग डे में भी देखने को मिला। यानी कि मैं बात कर रहा हूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को। और इसी के साथ इस फिल्म ने पहले वीक में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया, तो भैया वो है 118 करोड़ 91 लाख रुपए। तो भैया मंडे को इस फिल्म में कितना कलेक्शन किया था, यानी कि मैं वर्किंग डे की ही कलेक्शन को आपको बताता हूं। तो भैया मंडे को इस फिल्म में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 13 करोड़ 75 लाख रुपए। उसके बाद ट्यूसडे को इस फिल्म में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 15 करोड़ 28 लाख रुपए। वेडनेसडे को इस फिल्म में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 16 करोड़ 72 लाख रुपए। और उसके बाद कल यानी कि थर्सडे को इस फिल्म में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 11 करोड़ 23 लाख रुपए। और इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक यानी कि 7 दिनों में जो कलेक्शन किया है वो है 118 करोड़ 91 लाख रुपए। यानी कि भैया इस फिल्म ने कई सारी फिल्मों को पीछे कर दिया है, यानी कि अजय देवगन ने अपने ही 8 फिल्मों को पीछे कर दिया है एक हफ्ते के कलेक्शन से। तो भैया ये 8 फिल्में कौन सी है, तो चलिए उनके नाम भी आपको बता देता हूं। तो भैया गोलमाल 3, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 106 करोड़ 34 लाख रुपए। उसके बाद में भैया जो दूसरी फिल्म है वो है सन ऑफ सरदार, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 105 करोड़ 3 लाख रुपए। उसके बाद जो तीसरे पोजीशन पर फिल्म है वो है रेड, जिसने कलेक्शन किया था 103 करोड़ 67 लाख रुपए। उसके बाद चौथे नंबर पे जो फिल्म है वो है दे दे प्यार दे, इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 103 करोड़। उसके बाद में पांचवें नंबर पे जो फिल्म है वो है बोल बच्चन, इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 102 करोड़ रुपए। उसके बाद में छठे नंबर पे जो फिल्म है वो है सिवाय, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 100 करोड़ 35 लाख रुपए। और लास्ट उसके बाद में जो मेरे लिस्ट में अगला नाम है वो है सिंघम का। तो भैया सिंघम ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 100 करोड़। और लास्ट में जिस फिल्म का मैं नाम लेने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है राजनीति। राजनीति ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 93 करोड़। तो भैया ये 8 वो फिल्में थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन की थी अजय देवगन के लिए। तो इन सबको पछाड़ते हुए आगे निकल चुकी है तानाजी, और अब तानाजी से 3 फिल्में आगे हैं अजय देवगन की जो कि उनकी अब तक सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाली फिल्में रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो ये फिल्में कौन सी है, तो चलिए उनके भी नाम आपको बता देता हूँ। तो भैया गोलमाल अगेन, इसने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 206 करोड़ 31 लाख रुपए। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो फिल्म है वो है टोटल धमाल, इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 154 करोड़ 23 लाख रुपए। और लास्ट में जो फिल्म है वो है भैया सिंघम रिटर्न, यानी कि 141 करोड़ के साथ में तीसरे पोजिशन पे है सिंघम रिटर्न। यानी कि इन 3 फिल्मों को पीछे करना है तानाजी को भैया कलेक्शन के मामले में। मतलब कि अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये फिल्म सिंघम रिटर्न का रिकॉर्ड तोड़ती है कि नहीं, टोटल धमाल का रिकॉर्ड तोड़ती है कि नहीं, और गोलमाल रिटर्न का रिकॉर्ड तोड़ती है कि नहीं। तो दोस्तों 7 दिनों का तो कलेक्शन ऐसा रहा जिसमें तो 8 फिल्में पीछे हो चुकी हैं अजय देवगन की। अब ये 3 फिल्में उनके सामने हैं जो कि उन्हीं की फिल्में हैं, और इन फिल्मों का रिकॉर्ड वो कब तक तोड़ते हैं इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है गोलमाल अगेन का रिकॉर्ड कब तक अजय देवगन तोड़ लेंगे बॉक्स ऑफिस पे। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।